किन लाइक गर्न न भाइ फेसबुक लाइक गर अस्सलाम वालेकुम। आप देख सकते हैं इमाम इंकलाब पार्टी यहाँ पे एहतजाज के लिए लोग बैठे हुए थे। मस्जिद और मंदिर जो शहीद कर दिया गया है सेक्रेटरीट में, हमारा मतलब ये है इसमें देखिए इनकी बुजुर्ग भी है, नॉहेज भी वाले हैं, अल्लाह ताला इनको छुपा दे। नहीं बैठे हुए हमारे भाई ये भी बैठे हुए, देखिए आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन 30 दिन से कंटिन्यू। रहमान है, मेरा नाम मोहम्मद मुदसर अहमद है, ओवरसीज इंचार्ज हूँ मैं। मैं खाली महमूद अली साहब और केसीआर साहब से मैं एक इल्तिजा करता हूँ कि वो संगे बुनियाद जब तक नहीं रखेंगे दो मस्जिद और एक मंदिर के लिए सेक्रेटरीट में, मैं हम लोग यहाँ पे धरना वो इल्तिजाज करते हुए बैठेंगे भूख हड़ताल पर। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद जावेदुल्ला आलमिया दिल्ली से इंकलाबी मिल्लत से नामपल्ली इंचार्ज। हम लोग आज यहाँ पर 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मस्जिद सेक्रेटरीट की जो मस्जिद और मंदिर गिराई गई है, हम महमूद अली साहब से और केसीआर साहब से ये गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द आप हमारे ये भूख हड़ताल को कामयाब करिए, हमारी मांग को पूरी करिए और वहाँ पर संग बुनियाद रखिए। जब तक आप संग बुनियाद नहीं रखेंगे हमको ये तवक्कुन नहीं देंगे, हम इंशाल्लाह यहाँ से नहीं उठेंगे भले ही हमारी जान क्यों ना चली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। मैं ऐसे खालिद हुसैनी चुतारी इंकलाब पार्टी का मेंबर हूँ। मैं तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बिरादरान से गुजारिश करता हूँ कि वो इस सियासी पार्टी से वाबस्ता हों और हम केसीआर ये हुकूमत नहीं है, भाई अवामी हुकूमत है ये, इसलिए अवाम से गुजारिश है कि वो लोग आगे बढ़ें। जब तक वो लोग आगे नहीं बढ़ेंगे ये काम होने वाला नहीं है। हम किसी से उम्मीद नहीं रख सकते सिवाय हम अपनी खुददारी पर उम्मीद रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे कासम सोमय्या, मैं तेलंगाना बीसी प्रेसिडेंट हूँ। शरीरों ना मंदिर मस्जिद गुला कट्टी अभी इमीडियटली कटाले, मेरे कटकटे नाना अब्जेस्टर लेट काबी अभी इमीडियटली कटी अंदर की मंजी रक्षण कल्पाले लेकिन मतलब धर्ना इंका मुझे इंका चाल उत्तीर्ण उठाई धर्ना काबाटी रिलेन काबाटी इंका रेक मोतम रोड मोतम धर्ना చాలా విస్తృతంగా మేము చేస్తామన్నట్టు మేము చెప్తున్నాం। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंदन गुट्टे से मैं कन्वेनर मोहम्मद नदीम ऑल इंडिया मजलिस इंकलाब मुस्लिम इंकलाब मिल्लत पार्टी से बात कर रहा हूँ आपको। देखिए साहब, जुल्म से बड़ा जो है आपकी खामोशी है और आप लोग के अंदर अवेयरनेस आना चाहिए। ये जो है MP MLA कॉरपोरेटर जो है ये हमारे लिए है, हमारे काम के लिए है। आप इनके गुलाम बनकर मत बैठिए, इनको सर पर मत बिठाइए। ये हमारे जो है मस्जिद के लिए मंदिर के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, तो जो है हम इनकी गुलामी करने के लिए नहीं है, ये हमारी गुलामी के लिए, इतना आप याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं रफीकुद्दीन खान सीनियर सिटीजन इंकलाब पार्टी का मेम्बर। मैं जो है केसीआर साहब से मुतालबा करता हूँ कि हमारी जो मस्जिद है और ये मंदिर गिरा दी गई है, आप जो है उसको बनाने का तयफुन दे रहे हैं। अंबर पेट में मस्जिद गिरा दी है, तयफुन दी है, आप हर बार तयफुन देते हैं और कई मामले में आप जो बिगाड़े कामों का तयफुन करने वाले तबाकों को तयफुन, हमको तयफुन पे तयफुन तयफुन पे तयफुन नहीं चाहिए, हमको रिजल्ट चाहिए। और जो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मोहम्मद अब्दुल खबी अब्बासी, हाई कोर्ट एडवोकेट, ऑल इंडिया मजलिस इंकलाब मिल्लत पार्टी का ट्रेजरर, आज दारुल अवाम ऑफिस से मुखातिब कर रहा हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इंकलाब मिल्लत पार्टी ऑफिस पर रिले हंगर स्ट्राइक पर आज तीसरा दिन है, आज थर्ड डे गुजर चुका है। यहाँ पर पार्टी के वर्कर्स बैठे हैं, इनका ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनकी मांग है कि मस्जिद और मंदिर वहीं पर बनाए जाए। आज तक 4 मस्जिदें तोड़ दी गई, 1 मंदिर तोड़ दी गई और 3 आरशिफ खाने तोड़ दिए गए। तो हमारी पार्टी की तरफ से ये मुतालबा है कि वहीं पर मंदिर बने, वहीं पर मस्जिद बने, वहीं पर आरशिफखाना बने, ताकि लोगों में कॉन्फिडेंस आए कि केसीआर जो अपने आप को सेक्युलर CM बोलते हैं कि पब्लिक भी ये जाने कि वाकई वो सेक्युलर है या कम्युनल है। अब तक तो ऐसा लग रहा है कि ये कम्युनल ही है, क्योंकि ये मंदिर मस्जिद आशुरखाने आगे चल के गिरजा हाउस भी तोड़ सकता है, इतनी तो हम गारंटी से बोल सकते हैं। और मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि आप लोग देख रहे हैं, मैं ख़ास तौर से मशाहीन और उलमाए दीन से अपील करता हूँ कि आप
ये ऐसे आदमी का साथ दे रहे हैं, मैं ये बोलूंगा कि आप लोग को जब हशर के मैदान में आपसे सवाल होगा, जब आपका दामन पकड़ लिया जाएगा, जब आपसे पूछूंगी कि आपके इल्म में नहीं था कि यहाँ पर मस्जिद तोड़ना गुनाह है, मस्जिद को तोड़ते आपके इल्म में है, और आप है कि एक आप क्या जवाब देंगे वहाँ पर, क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे? असदुद्दीन अवैसी भटका दिए थे हमारे को बोलेंगे, या नहीं तो फिर KCR के साथ ठहर के फोटो लेना था, या आपने मुरीदों को इम्प्रेस करना है, आखिर आप आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? आप जो है सो हक का साथ दीजिए, आप जो है सो आखिरत का सौदा मत कर लीजिए दुनिया के लिए, ये दुनिया जो है सो ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, आपको मालूम है, आप जो है सो बाखूबी जानते हैं, आप जो है सो दीन इस्लाम से आप वाकिफ है, तो आप लोग का काम है कि मस्जिद कैसा टूटती क्या है आप लोग को सो मालूम है, मालूम रख के भी जो सो आप लोग जैसे सौदा कर ले रहे हैं, असदुद्दीन अवैसी के बातों में आके आप जाके KCR करने ठहर जा रहे हैं, ठहर के फोटोज ले ले रहे हैं, लेके जो सो कंसेंट दे दे रहे हैं, क्या ये सही है क्या? मैं आप लोग से अपील करता हूँ कि आप लोग जो सो आप दीन के रखवाले है, आप लोग उलमाए दीन है, आप लोग मशाइखीन है, आपको देख कर लोग सीखना चाहिए, आप लोग खुद बिक कर जो सो मस्जिद और मंदिर का सौदा कर दे रहे हैं, आप लोग बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है, आखिरत खराब कर ले रहे हैं आप अपने। सेकेंड में जो मस्जिद जो मंदिर जो शहीद किया गया है वो कोई सावन माह से मस्जिद में से भी नहीं हटाया बोल के ऐसा मालूम हो रहे, कोई कुरान पाक नहीं हटाए, कोई चीज नहीं हटाए, मंदिर में से भी जो चीज रहता है उनके कोई चीज नहीं हटाए, वैसी शहीद कर दी है बोल के बताया जा रहा है। यहाँ बिल्कुल हो सकता है, जब जो है सो क्या सेक्रेटरीट का जो ऑर्डर आया था हाई कोर्ट का मंदिर मस्जिद तोड़ने का था क्या उसमें, ये बताइए, खाली सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स तोड़ने का था, आप कुछ जैसे कुछ आपको इल्म नहीं है कि कुरान की क्या वैल्यू है, आपके रामायण भगवत गीता की क्या वैल्यू है, आप जो है सो कॉन्ट्रेक्टर को खाली टेंडर पास कर दिए तोड़ दो बताओ, ने चढ़ा दिया टेंडर तो अपना जो है सो जो क्रेन चला के तोड़ डाला बुलडोजर, तो अब ये कहाँ पर है बताइए, कुरान शरीफ कहाँ पर है, वहाँ पे पारे हो या आपके जो है सो खुतबे की लकड़ी है, सो काफ़ी चीज़ें होती है, जानी माजे होते हैं, हर चीज़ होती है, कहाँ पर गई है ये जो है सो अल्लाह बेहतर जानता, ये तो इसकी तो इंक्वायरी करनी चाहिए, CBI इंक्वायरी करनी चाहिए कि ये कहाँ पर गए, क्या इसको उठाकर रखा गया या इसके ऊपर जो है सो क्रेन बुलडोजर को चढ़ा दिया गया। अब आपकी आपकी पार्टी की तरफ से सेकेंड ऑप्शन क्या रहेगा ये? हम तो जब तक के हमारे को एश्योरेंस नहीं मिलता, जब तक के हमारे को संगे बुनियाद मस्जिद और मंदिर की नहीं रहेंगी, हमारा ये एजिटेशन चलते रहेगा और पब्लिक ज्वाइन होते जा रही है, इंशाल्लाह ताला और पब्लिक ज्वाइन होंगी, जब तक के हमारे मांग पूरे नहीं हुए हम यहाँ से उठने वाले नहीं है।